आपके अधिकार को बेच के खत्म कर रही हूँ, आपका शत्रु नंबर एक नहीं है। सारे आरक्षण पिट गए, लुट गए, अधिकार लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया। अभी तक आपको राजनीतिक शत्रु आपके कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। और हमारा जितना नौजवान है लोग सब जाके देखिए, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में 35-40 साल तक वो खाली बाबूजी से पैसा लेके यूपीएससी का तैयारी करता है। ऑलरेडी वो सब पन्ने पटे जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको पता नहीं लग रहा है। एक तो पहले मैं मुख्य वक्ता नहीं हुआ, श्रोता के रूप में आया हूँ। चलिए चलिए, सुन रहा हूँ सुबह से बैठ के, लोगों को सुन रहा हूँ किस किस तरह के विचार आ रहे हैं जी। तो हर समय वक्ता नहीं रहना चाहिए, कई बार श्रोता भी रहना चाहिए, उससे भी बुद्धि का विकास होता है। जय भगवान जाटव जी हैं, उनका राष्ट्रीय शोषित मंच उनका चलता है और उनकी ओर से न्योता आया था कि आज 2 दिन का भीम संसद है और मेरे हाथ में 22 सूत्री कार्यक्रम उनका रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, सारे इश्यूज अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास पर्चा आ गया होगा और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहा शुरू में और अभी भी है। और जो संचालक महोदय हैं उनसे बाद में कहूँगा कि वो बार बार कह रहे थे कि राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन जितने मुद्दे हैं सब राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं। तो हम लोग तो वैसे भी समाज सुधारक हैं नहीं, ना धर्म प्रचारक हैं, हम लोग तो आम एक्टिविस्ट हैं और आते हैं तो हमारे राजनीतिक आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर भीम संसद अगर है और भीम संसद में तत्कालीन राजनीति पर और आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं होगी तो साधु लोग तो अपने धर्म संसद में राजनीति कर रहा है ना। तो आदमी को इतना अपोलिटिकल नहीं होना चाहिए। अपोलिटिकल होने का मतलब है अपने हितों का कुठाराघात खुद ही कर रहे हैं। तो ये मेरी राय है, मेरा सजेशन है कि समाज सुधार कार्यक्रम होता है तो अब सामाजिक संगठन में जाएंगे, बोलें कि एक साथ खाना खाना चाहिए, आडंबर पाखंड नहीं करना चाहिए और रोटी बेटी का समाज सुधार का कार्यक्रम है। मेरा उसमें दिलचस्पी बहुत नहीं है कि आप गए और खाना खाइए ना खाइए, शादी किए ना किए, कॉमन इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर एकजुटता है कि नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे इस बात को। तो मुझे लगता है कि भीम संसद आयोजित है 2 दिन का, तो इसमें भीम घोषणा पत्र भी निकलना चाहिए और कंसेंसस। अब सवाल है कि हमारा समाज बहुत नशा है पूरा हुक्मरान बनने का, जहाँ देखिए हमें हुक्मरान बनना है, बाबा साहब ने कहा था, कांशीराम जी ने कहा था, तो हुक्मरान बनते बनते जो है जो संविधान से मिला था वो सारे गायब हो गए, धीरे धीरे जो है वो सारे खत्म हो रहे हैं। हम लोग हुक्मरान ही बनने की तैयारी में हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक मैनिफेस्टो निकले, भीम मैनिफेस्टो, और हुक्मरान जिनको बनना है जरूर बने। हमें हुक्मरान बनने का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी और मिनिस्टर बनना नहीं है, हुक्मरान बनने का मतलब है कि बिजनेस मैनेजमेंट भी करना और पूंजीपति भी बनना। अब तो यह संविधान कि मूल भावना खत्म हो गई, पूंजीवाद आ चुका है, इसको स्वीकार कीजिए, समाजवाद जा चुका है, वेलफेयर स्टेट जा चुका है। तो नए समाज की नई चुनौतियां होती हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर की चुनौतियां कुछ और थी, लेकिन जब अंग्रेज चले गए, जब संविधान बना, जब वो कैबिनेट में आए तो उस समय चुनौतियां कुछ और थी। तो ये समझना होगा कि अभी जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ और आप लोग सुन भी रहे होंगे कि हमारी दिलचस्पी फिलहाल चुनावी राजनीति में नहीं है, थिंक टैंक तैयार करने की जरूरत है। जितने आर्थिक मुद्दे हैं हमारे समाज में 10 इकोनॉमिस्ट भी नहीं है कि जरा इसकी व्याख्या कर दें, जरा विश्लेषण कर दें, बजट एलोकेशन का विश्लेषण कर दें। मैंने पिछले बार एक भाषण में कहा था कि 2,80,000 करोड़ जो है, 2,80,000 करोड़ रुपये SC ST कॉम्पोनेंट प्लान के कहाँ चले गए पता नहीं, और इसमें सभी तरह की सरकारें शामिल थी, चाहे वो समाजवादी हो, दलितवादी हो, वामपंथी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, तमाम तरह की सरकारें थी। तो जो एक कहते हैं ना कि एक सचेतक की भूमिका में कि हमारे लोग का एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप हो कि जो हर समय वॉच डॉग की तरह उस पर नज़र बना के रखे कि हमारे पैसे कहाँ गए, वो नहीं है। और ये संसद में आप उठा के देखेंगे तो असहमति ज़रूरी है और मेरी बात से लोग असहमत हो सकते हैं। हमारे जितने रिटायर्ड लोग हैं सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हुए हैं और सबके बच्चे जो है ना घर में UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो जब हम यंग पार्लियामेंट्रियन नहीं निकालेंगे, यंग एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट नहीं निकालेंगे, इकोनॉमिस्ट नहीं निकालेंगे, तो संसद जब हमारा मिशन रिटायर्ड लोग चलाएगा तो बहुत अदब के साथ और सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि 60 साल के बाद ऊर्जा कम होने लगती है
और नौकरी करते करते पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम अम्बेडकर साहब को भी नहीं पढ़ पाते हैं। घर में किताबें जरूर होंगी, उनको भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो नौकरी करने वाले जो मानसिकता है ना, कि अब तो नौकरी है ही नहीं, चार पोस्ट है उसके लिए 2 लाख लोग हमारे 35-40 साल तक तैयारी करते रहते हैं। पूछिए सब लोगों से कि सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो घर में बैठ के इंजीनियरिंग मेडिकल और आईएएस का तैयारी कर रहे होंगे। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहा है, कोई लंदन हार्वर्ड कैम्ब्रिज नहीं भेज रहा है, बाबा साहब के नाम लिए जा रहे हैं। सीधे सीधे दो तरह की स्ट्रेटजी है कि या तो जो मिला था उसकी पुनर्वापसी कैसे हो, और जो इमीजिएटली जो है, इमीजिएट जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जो आरएसएस बैक्ड बीजेपी गवर्नमेंट है इसको कैसे हराया जाए 2024 के चुनाव में, सबसे पहला काम। और हम आप शत्रु भी नहीं पहचानते। आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते, 1948 में उन्होंने लखनऊ में कहा था कि हमने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया, कांग्रेस कैबिनेट क्यों ज्वाइन किया। कहते हैं कि हमें हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, हर समय विरोध करने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, कई बार हमको कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं राजनीति में, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं गए होते तो जो आरक्षण मिला और जिसकी वजह से इतने बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहने यहाँ लोग घूम रहे हैं, थोड़ा पेट भी निकल गया होगा आके, तो वो नहीं मिल पाता ना। तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा, अंग्रेजों के साथ समझौते किए, कांग्रेस के साथ लड़ा, कांग्रेस के साथ समझौते किए। और ये बात बोल दूंगा तो हमारे जितने दलित हुक्मरान बनने वाले लोग हैं, लोग मुझे गाली देना शुरू करेंगे, बोले ये तो कांग्रेस का हो गया। मैं समीक्षक हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, किसी संगठन को नहीं बिलोंग करता हूँ जी। कि आपको राजनीति में लेसर एनिमी तलाशने होते हैं। दो तरह के शत्रु होते हैं, एक बड़े शत्रु, एक छोटे शत्रु। अगर आप पूरा जितना दलित है इस देश का एक साथ खड़ा हो जाए, 85% आप कह रहे हैं, लेकिन 85% यथार्थ नहीं है, इस बात को समझिए। मैं यहाँ सिर्फ SC और ST को एड्रेस कर रहा हूँ, फिलहाल रिलीजियस माइनॉरिटी को OBC को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, कि SC ST को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो सरकार आपके अधिकार को बेच के खत्म कर रही है वो आपका शत्रु नंबर एक नहीं है। और जिन सरकारों में आपको आरक्षण मिला, स्पेशल ड्राइव मिला, सारे आप मल्टीनेशनल कंपनी सब में, सरकारी कंपनी में नौकरी मिली, रेलवे में नौकरी मिली, टेलीग्राफ में नौकरी मिली, वो आपका शत्रु नंबर एक। अगर मुझे मौका लगे, मैं संगठन इतने सारे लोग हैं, चलो भारत जोड़ो यात्रा में ये मैनिफेस्टो लेके, भीम मैनिफेस्टो लेके खड़ा हो जाते हैं कि राहुल गांधी जी जरा भीम मैनिफेस्टो के बारे में बात करिए और ये एजेंडा में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। आप हमारे 500 बच्चों को PhD करवाइए विदेश में, घोषणा पत्र में शामिल कीजिए, तो नहीं, ये नहीं करें। देखिए हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग सब, सरकार BJP की है तो वहाँ उसके खिलाफ भी लड़ते हैं और लोगों से मिलते भी हैं। किसके लिए? समाज के लिए। अपने लिए कभी मांगा है हमने किसी से? कोई कह दे कि अपने लिए कुछ मांगा है? समाज के लिए कि भाई ये खत्म हो रहा है, जो आप कुर्सी पे बैठे हैं आप ही को इसका निराकरण करना होगा। भारत बंद भी हुआ था, बिल्कुल है? तो ये सवाल ये है कि हमारे समाज को बड़ा शत्रु कौन है, छोटा शत्रु कौन है, इसको अगर नहीं पहचानेंगे तो समझिए कि आप हुक्मरान बनने के चक्कर में रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, सारे आरक्षण पिट गए, लूट गए, अधिकार लूट गए, सब कुछ खत्म हो गया, अभी तक आपको राजनीतिक शत्रु आपके कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे दलित और ट्राइब भी मिल जाएगा तभी वो सरकार नहीं बना पाएगी, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम लोग को एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने चाहिए। और जो लोग हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हमें चुनाव नहीं लड़ रहा, हम कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हम घोषणा पत्र में जरूर शामिल करवा लें कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप कहाँ गए। पहले फ्रीशिप होती थी, दलितों के दुकान बना बना के बांटे गए, सब उड़ गए। और समाज हमारा पागल है, हमें हुक्मरान बनना है, कैसे बनोगे पता नहीं। तो भीम संसद हुआ है और हमारी ये राय है, इनके जो ऑर्गेनाइजर सब हैं, कि आप जो है यहाँ से भीम घोषणा पत्र जारी करें। और जितने रोज कार्यक्रम हो रहा है देश में, अभी 28 तारीख को उदित राज जी का भी प्रोग्राम है, और जितने ऐसे लोग हैं जिन बाम सेफ है, तमाम लोगों का एक राष्ट्रीय जो है अलायंस बने, मंच बने। फिलहाल वो गैर राजनीति हो, गैर राजनीति का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दे ना हो, गैर राजनीति का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट चुनाव लड़ने में नहीं है, राजनीति से परे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ डिसाइड होता है कहाँ पे, संसद में, विधानसभाओं में। तो गैर राजनीतिक तो कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन ला के आपको सब कुछ खत्म कर दिया, आपका पास बचा क्या? ठेंगा, कुछ नहीं बचा है, हुक्मरान बनते रहिए। तो ये है कि एक अल्टरनेटिव एजेंडा कैसे लागू हो। पूंजीवाद तो आ चुका है, अब समाजवाद जिस समय आएगा बराबरी का उस समय देख लेंगे, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में तो कुछ इंडस्ट्रीज भी चाहिए ना। हम कहाँ कर रहे हैं, बच्चे हमारे कहाँ गए, जो मैनेजमेंट पढ़ते हो बच्चे कहाँ, उनको बुला के लाइए, उसको 25,000 करोड़ का मालिक बनवाना है,
ये एजेंडा में होना चाहिए। जब समतावाद आएगा तब समतावाद करेंगे, लेकिन जब समतावाद विषमतावाद है तो उसी में आपको जगह बनानी पड़ेगी ना। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे तो कोई तो नहीं कि समाजवाद जो साम्यवादी सरकार बनी तब लिखे, वो तो पूंजीवाद में ही रहे और पूंजीवाद में ही पढ़ के उनका एंटीथीसिस किया। तो एंटीथीसिस करना पड़ेगा और बहुत ये विकट लड़ाई है। मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ कि ये रिटायर लोग खाली एनर्जी लेवल कम हो जाता है ना भाई, उनके मिशन चला रहे हैं नौजवान लोग सब। 22 साल का लड़का कैम्ब्रिज से PhD करके आता है, ऑक्सफोर्ड से आता है और पूरा अर्थव्यवस्था पे वो स्ट्रेटजी बना के देता है। और हमारा जितना नौजवान है लोग सब जाके देखिए मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर में 35-40 साल तक वो खाली बाबूजी से पैसा लेके UPSC का तैयारी करता है, PCS का तैयारी। कहाँ से चलेगा मिशन, कोई मुझे बता दे कैसे चलेगा मिशन। बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, उनका जोड़िए पहले उम्र 91 से लेके आज 1918 में बोरो कमेटी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे। 26-27 में वो विधान परिषद के सदस्य बन चुके थे बॉम्बे में, साइमन कमीशन के सामने रिपोर्ट दे रहे थे 26-27 साल के उम्र में, 28 साल की उम्र में, 40 साल को देखिए 22-23 साल में समता दैनिक बन चुका था, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बन चुका था, 35-36 में आके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए हैं, 42 में जाके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए हैं। तो जवान थे उस समय बना रहे थे, अब यहाँ पे बुजुर्ग लोग से हम कितना उनको दौड़ाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे ना। तबीयत भी खराब होती है, शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि पहला तो जो है जितना संघी सरकार है जो कि खाली सांप्रदायिक नहीं है जातिवादी भी है, इसको हराओ पहले 24 के चुनाव में। और जिनको 54-58 पे बिकना हो जाके भाजपा और RSS के साथ रहे, हम लोग उसके खिलाफ थे, खिलाफ हैं, उसकी पूरी मंशा को समझते हैं। कांग्रेस जब की सरकार थी आज़ादी के बाद तो जितने उसमें लीडर थे कैबिनेट उठा के देखिए पूरा सब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। तो थोड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू, चलो SC ST का भी उन्मूलन करना है, थोड़ा अधिकार देना है, ये उनके एजेंडा में था। तो उनके आइडियाज आ रहे थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आ रहे थे। ये भाजपा RSS सरकार का आइडिया रहा है मनुस्मृति से आ रहा है। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, ऑलरेडी वो सब पन्ने पटक जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको पता नहीं लग रहा है अभी, वो घोषणा नहीं करेगा तो इमीडिएटली तो ये हराओ इसको और ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दूसरा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी जिसमें नौजवान छात्रों को 12 साल 14 साल की उम्र से माइक हाथ में पकड़ाओ, अंग्रेजी भाषण देना सिखलाओ। आपके पास है कोई ऐसा कि जाके अंग्रेजी बोले वहाँ पे भाषण देने टेलीविजन चैनल में, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल लिखे है? तो नहीं, हमारा बच्चा बनेगा साहेब, बनेगा कलेक्टर बनेगा, तो ये कहाँ से आएंगे अम्बेडकर, फिर कहाँ से आएंगे फूले, कहाँ से आएंगे काशीराम। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि कम से कम लीडर्स अपने घर से पैदा करने होंगे। रिटायर्ड लोग बहुत लंबे समय तक मिशन नहीं चला सकता है। आप 25 साल में नौकरी मिली, 60 साल में रिटायर हुए, 35 साल आपने ऑफिस में काम की, पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिला, नहीं मिला तो भीमराव अम्बेडकर को कहाँ से पढ़ पाओगे, फूले को कहाँ से पढ़ पाओगे। तो हमें तो वैसे यंग लोग भी चाहिए कि जो 15 साल से जब पढ़ना शुरू कर दे, 15 साल से पढ़ेगा, 30 साल में जाएगा तो फायर ब्रांड स्पीकर बनेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा। हिस्टोरियन है कहीं यहाँ पे, ढूंढ के दिखाइए पूरे उत्तर भारत में, तो बोलेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि जो इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। बोले इतिहासकार कहाँ है, तो हमने नहीं बनाया नहीं, तो अपना इतिहास खुद नहीं लिखोगे तो लिखेगा जो शिकारी लिखेगा, तो अपना ही लिखेगा ना। तो ये एक संदेश हम देना चाहते हैं भाई। हम लोग बोल रहे हैं 30-25 साल तैयारी पूरी करनी पड़ती है। स्टार्डम हमारे फील्ड में 50 साल में आता है, 50 साल के होंगे जब आर्टिकल किताबें आने लगती है, बोलने लगते हैं, तब होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस संसद के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, जितने हमारे यहाँ साधु और जितने सामाजिक आते हैं, भंते लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, सबका बड़ा इज्जत कदर करते हो और चढ़ावा भी चढ़ाते हो। और ये बच्चा लोग जो यूट्यूब चलाता है, ये लोग अपना मोबाइल से चला रहा है, इंटेलेक्चुअल को कदर नहीं करते। इंटेलेक्चुअल चाहिए फ्री का, हमने सरकारें को छोड़ो, ये भीम संसद में ये प्रस्ताव पास हो जाए कि 10 बच्चे हम लोग स्पॉन्सर करेंगे साल में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड पढ़ने के लिए, 10 में से 8 भी बेईमान हो जाएगा, बेईमानों के जाएगा कहाँ, डिजिटल दुनिया पकड़ लूंगा। दो भी ढंग का अगर तैयार हो गया तो हमारा आइडियोलॉग तैयार होगा ना, तो भावी पीढ़ी से आइडियोलॉग भी तैयार करना है। इसलिए इंटेलेक्चुअल्स को भी स्पॉन्सर करिए, तैयार करिए। इंटेलेक्चुअल फ्री का आप मांगते हैं कि इंटेलेक्चुअल आए भाषण दे, नहीं देगा, उसको तैयार करना होता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे, RSS या कांग्रेस जाके देखिए पीछे कितने हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट काम करते रहते हैं उनके लिए, तो ये बात सीखेंगे नहीं
तो इमीडिएट तुरंत हम लोग चाहते हैं कि सरकार में आ जाएं, अब बन जाएं, हम मिनिस्टर बन जाएं, दो चार सेक्रेटरी बन जाएगा, दो चार ठेकेदार बन जाएगा। तो ये तो आप देख रहे हैं ना, 30 साल से तो खाली नॉर्थ इंडिया में देखिए कौन कौन सरकारें रहीं, उन सरकारों में भी SC ST और कॉम्पोनेंट प्लान का पैसा भाग गया, चला गया, कहाँ कोई पूछने वाला है? जो सेक्रेटरी IAS ऑफिसर बैठे होंगे वो सब जानते हुए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल में कहीं बोलेंगे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो हमें तो रिसर्चर चाहिए ना, दर्जनों की संख्या में जो सवाल खड़े करे, अखबारों में लिखे, बोले, तब जाके ना विमर्श पैदा होगा। रोहित बुमला के बाद जितने आंदोलन हुए आपने देखा ना कि विश्वविद्यालयों से शुरू हुए, सब देखा है ना, कि चाहे भारत बंद का अपील हो, रोस्टर हो, SC ST एक्ट हो, तो अपने पास सेफ जोन में जो रहेगा वो सबसे पहले जाएगा। पहले अगर पूरे शहर पे अगर दुश्मन बमबारी करे तो अपना घर आप मजबूत बना के बंकर में रह जाओगे तो सूनर और लेटर पिटाओगे आप भी। हो सकता है मेरा घर पहले टूट जाए लेकिन 2 दिन बाद घर आपका भी टूटेगा। इसलिए ये अपील है, इसको इस बात को इतिहास के छात्र होने के नाते बहुत गंभीरता से मैं समझता हूँ और बहुत गंभीरता से आपके सामने रख भी रहा हूँ। शुक्रिया।